आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं अडानी इंटरप्राइजेज स्टॉक के बारे में। ओवरऑल अडानी को लेकर के एक बड़ा ट्रेंड तो दिखा, लेकिन जो इंटरप्राइजेज के स्टॉक के जो ट्रेंड दिखे थे वो अगेन एक शूटिंग स्टार जैसे कैंडल इस स्टॉक में बनते दिखे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रेंड रिवर्सल दिखा था सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले के रिजर्व करने पे, वो ट्रेंड को ट्रेडरों ने, इन्वेस्टरों ने एग्जिट का अपॉर्चुनिटी लिया, जिसके कारण ये ट्रेंड अपर प्राइस से अगर पिछले 5 डेज के ट्रेंड को देखेंगे तो आपको 10% तो दिख रहा होगा, लेकिन ये जो अपर प्राइस रहा है वहां से अच्छी खासी गिरावट भी इस स्टॉक में दिख चुका है। तो आगे के ट्रेंड न्यूज को समझे इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहे तो अकाउंट ओपन करें। इस समय देखेंगे तो कंपनी के अंदर जो डिलीवरी है वो कंटिन्यूस बेटर दिख रही है और टेक्निकल ट्रेंड भी आपको पॉजिटिव दिख ही रहा होगा। न्यूज तो कुछ भी बड़े नहीं है, लेकिन वॉल्यूम को देखेंगे तो थोड़ा आप यहां चौंकेंगे। क्यों? क्योंकि एक हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने मंथली हाई के लेवल्स को बनाया और उसके बाद वॉल्यूम बिल्कुल नेक्स्ट लेवल, बिल्कुल वॉल्यूम जो है डाउन होते हुए दिखा और यहां से प्राइस भी देखेंगे तो कंटिन्यूअस लोअर साइड गिरते दिखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के कामकाज को देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के कामकाज को अगर आप देखेंगे तो मैं आपको यहां दिखाऊं तो इजिली आप देखेंगे कि जो क्वांटिटी है वो 428 जो कि काफी नॉमिनल सेलिंग क्वांटिटी है, लेकिन यहां देखेंगे माल भी सही उठाया गया है लेकिन जो वॉल्यूम है 1 करोड़ के कंपैरेटिवली 20 लाख भी वॉल्यूम नहीं दिखा। लो वॉल्यूम के साथ प्राइस लोअर साइड ट्रेंड करते दिख रहा है। अब इसके चार्ट को देखें तो यहां पाएंगे कि जो हायर प्राइस रहा था 8% का ट्रेंड तो दिख रहा है, लेकिन जो हायर प्राइस रहा था उससे लगभग 6% स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट होते दिख चुका है। तो इस समय जरा कॉशन होने की जरूरत शॉर्ट टर्म ट्रेडर को तो है ही, लॉन्ग टर्म निवेशक बिल्कुल इस जोन में अगेन अपॉर्चुनिटी लेंगे 2160 से लेकर के 2220 के बीच का, लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं उनको कहां अपॉर्चुनिटी दिखना चाहिए इसके लिए हम डेली टाइम फ्रेम के चार्ट को ओपन करेंगे ताकि हमारे व्यूज काफी क्लियरली इस स्टॉक के अंदर हो सके। और यहां देखेंगे पिछले 3 दिन से स्टॉक डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। इस स्टॉक को अगर लॉन्ग करना ही हो तो उस लॉन्ग करने के लिए इंपोर्टेंट है 2400 के ऊपर की क्लोजिंग। अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग होती है तो 2480, 2560 और 2720 ये तीन टारगेट को अपने दिमाग में आप फिट कर लेंगे। लेकिन अगर लोअर साइड अगेन ये स्टॉक एक बार 2320 को ब्रेक डाउन करता है तो पोटेंशियली जहां से ये ट्रेंड कंटिन्यू करा था इस ट्रेंड को भी ले सकता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर 2400 के ऊपर लॉन्ग करेंगे और लोअर साइड अगर 2320 को ब्रेक डाउन करता है तो 2360 के एसएल को लगा करके दो टारगेट आप नीचे के तरफ भी 2240 टू 2180 के लेवल्स लेंगे। तो इस समय नो ट्रेडिंग जोन में है, अपर साइड ब्रेकआउट लेवल 2400, लोअर साइड ब्रेकडाउन लेवल 2320 और जो निवेशक हैं वो इस जोन में अगेन लेंगे और 2720 के ऊपर की क्लोजिंग लॉन्ग टर्म ट्रेडर को 3500 टू 4200 दिखाएगा। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही लेवल्स जो मुझे मेरे एक्सपीरियंस से लग रहा था वो मैंने अब तक शेयर